हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और आज मैं अपनी ट्रिप करने वाला हूं न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो के साथ। सो राइट नाउ आई एम इन पहाड़गंज न्यू दिल्ली और ये आप मेरी कार देख रहे होंगे बोलेरो नियो और इससे मैं जाने वाला हूँ कुरुक्षेत्र के लिए। दिल्ली से कुरुक्षेत्र की दूरी लगभग 177 किलोमीटर है और पहुँचने में आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। बाई बस भी यहाँ पर 300 से 400 रुपए तक में पहुँचा जा सकता है। महिंद्रा बोलेरो नियो को काफी बोल्ड लुक दिया गया है और इसे TUV 300 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और TUV 300 की स्ट्रेंथ को कैरी फॉरवर्ड किया गया है इसमें। साथ ही बोलेरो के जो एग्जिस्टिंग बोलेरो है उसके एलिमेंट्स को इसमें पुट किया गया है और टेक्नोलॉजी और रूरल हो या अर्बन एरिया हो यंग जनरेशन को देखते हुए इसे रीडिज़ाइन किया गया है। सो महिंद्रा बोलेरो नियो इज एन एडिशन टू बोलेरो पोर्टफोलियो एंड नाउ यू कैन चूज एज पर योर नीड। तो दिल्ली बॉर्डर से हम लोग निकल चुके हैं और यूपी में एंटर हो चुके हैं। आकाश ड्राइव कर रहा है तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त गाड़ी स्मूथ चल रही है, मजा आ गया। रास्ते में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रोड काफी खराब है लेकिन मजा भी आ रहा है क्योंकि रोड खराब हो या रोड ही ना हो महिंद्रा बोलेरो नियो रोड्स को टैकल कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और एक जो खास बात इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी वो टेक्नोलॉजी में आपको बताता हूँ। इसमें मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी है। वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज आप किसी जगह पे जा रहे हैं गांव वगैरह में या फिर बहुत ही मिट्टी वाला रोड है तो कई बार गाड़ी फंस जाती है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है कि ये गाड़ी जिस भी टायर पे ग्रिप बनती है उस पर ये रेस देती है। मतलब कि जो भी टायर आपका जो फंसा रहेगा वो तो ठीक है लेकिन जिस पे भी ग्रिप मिलेगी जिस टायर पे कंप्राइज सिस्टम इसका कुछ ऐसा बनाया रखा है कि वो अपने आप वो समझ जाएगी कार और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे भी ग्रिप मिलेगी कार पे वहाँ पे रेस करेगी और कार आपकी ईजिली निकल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप फंसेंगे नहीं और ईजिली निकल जाएंगे। और एक बात से और ये खास हो जाती है क्योंकि इसमें आपको इस प्राइस में ये टेक्नोलॉजी अगर मिल रही है तो और भी बड़ी बात है। बनाना कैसे केला कैसे हिंदी में बता मैं तो केला हिंदी में हाँ 50 रुपये दर्जन 50 रुपये दर्जन एक दर्जन आप भेजो हिंदुस्तानी भाषा जानता हूँ मैं बिल्कुल अच्छी बात है बोलना भी चाहिए कि नहीं बिल्कुल हिंदुस्तानी है हिंदी में ही बोले बड़ी मुश्किल अंग्रेजी काटे हाँ लग रहा आप तो जानते हैं आजकल फ्यूल कितना महंगा हो चुका है। ऐसे में महिंद्रा बोलेरो नियो में इको मोड का ऑप्शन दिया गया है जिससे अगर आप हाईवे पर हैं तो आप इस मोड को ऑन करके काफी फ्यूल सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फास्ट टैग ये ले लिया है क्योंकि नहीं था और 300 रुपये इसके लग गए हैं। और फास्ट टैग अगर नहीं होता मेरे पास तो टॉल पे डबल चार्ज देना पड़ता। मतलब अगर 100 रुपये टॉल है तो 200 रुपये देना पड़ता। तो इसको इसीलिए ले लिया क्योंकि आगे और भी टॉल आने वाले हैं।
अभी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा खाली एरिया मिला है और मन कर रहा है, आकाश तो है ही एक्सपर्ट, देखते हैं गाड़ी क्या क्या कर सकती है। ये आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद हम एक देसी ढाबे पर पहुंचे। अब वक्त आ गया है कुछ खाने पीने का। और भाई चलते हैं कुछ खाते हैं। बारिश होने लगी थी और ऐसे में कार के शानदार साउंड सिस्टम में कुछ प्यारे सॉन्ग सुनकर हाई सीटिंग पोजीशन में बैठ के एक किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग आ रही थी और इसकी लो एंड टॉर्क्यू के साथ अमेजिंग ड्राइवेबिलिटी भी मिल रही थी। महिंद्रा बोलेरो नियो की कार में जब अंदर आप बैठते हैं तो जो फ्रंट एरिया है इसका, यहाँ पे काफ़ी कुछ है और जो सबसे अच्छी मुझे कुछ चीज़ें दिखी हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये आपको देखेंगे आप, दोनों तरफ यहाँ पे आर्म रेस्ट है बना हुआ है जिससे काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और साथ ही जो यहाँ का ये लुक है वो पूरा इटालियन इंटीरियर है और साथ ही यहाँ पे एयरबैग्स है यहाँ पे। और अगर आप बात करेंगे स्टीयरिंग की तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट स्टीयरिंग है और आपकी जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए ये स्पेस वगैरह भी है, आप काफ़ी कुछ रख सकते हैं तो जगह है इसमें, काफ़ी स्पेस है। और अगर इसकी फीचर की बात की जाए यहाँ पर जो भी साउंड सिस्टम वगैरह है और कार की इन्फो वगैरह भी इसमें आप देख सकते हैं कि आप देख रहे होंगे फ्यूल इन्फो है जिसमें शो कर रहा है 424 किलोमीटर अभी इतना डिस्टेंस के लिए पेट्रोल या डीजल जो भी है वो है। साथ ही कुछ अलर्ट्स वगैरह इसमें होते हैं, DRL है और यहाँ पे मैनुअल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही ब्लूटूथ है, साउंड वगैरह ये सब तो होते ही हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसको भी सेट आप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये वाला जो फीचर आप देखेंगे काफ़ी कुछ है। और बात अगर करेंगे यहाँ पर बॉटल होल्डर्स वगैरह ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ये भी मिलेगा, बॉटल होल्डर्स के लिए स्पेस है और भी जो छोटे मोटे सामान आप अपने रख सकते हैं यहाँ पर उसके लिए भी जगह दी गई है। USB के लिए आप यहाँ पे केबल देख रहे होंगे, एक है तो इसमें आप लगा सकते हैं, एक ही दी गई है। और बाकी जो सबसे खास बात है, जो मज़ा आ रहा है इस टाइम, वो तो कंफर्टेबल बहुत है सीट, अगर आप बैठेंगे तो आराम से बैठ सकते हैं। और अभी थोड़ी देर मैं थोड़ा आराम अपने बैक को देना चाहता हूँ और AC एकदम फुल करके थोड़ी देर रेस्ट सोऊंगा नहीं। कुरुक्षेत्र में इस टाइम मैं हूँ सन्निहित सरोवर में और ये सरोवर काफ़ी प्यारा सा और बड़ा सा भी कह सकते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे चेयर्स वगैरह बनी हुई है और इवनिंग के टाइम में, इस टाइम तो दोपहर में मैं भी नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि धूप है, लेकिन इवनिंग के टाइम में आप यहाँ पर अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और मौसम भी उस टाइम अच्छा होता है, हवा वगैरह चलती है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप फील करेंगे।
सन्निहित सरोवर के ठीक सामने ही पड़ता है नाभा हाउस। पंजाब में एक शहर हुआ करता था नाभा, अभी भी आई थिंक है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो उसी के बेसिस पे ये बना हुआ है और सब लगभग 350 साल पुराना है। राजा हीरा सिंह थे वो बनवाए थे। बहुत छोटा सा है अंदर से, लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखेगा। अब यहाँ पे आप सन्निहित सरोवर में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर एक बार आ जाएं, देख लें, अच्छा लगेगा। वैसे बात अगर करें कार के मिडल सीट की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है और आराम से यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आर्म रेस्ट है जिससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है आपकी जो जर्नी होती है। और साथ ही अगर लेग स्पेस की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, आप आराम से यहाँ पे पैर फैला के आराम से बैठ सकते हैं। और हेड की बात करी जाए तो ये देखें, काफ़ी स्पेस है इसमें भी, तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये मिरर के लिए है, तो हर जो सीट है वहाँ पे दिया गया है, तो ओवरऑल जो मिडिल सीट का एक्सपीरियंस है वो तो और भी लाजवाब है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, और ये जब आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस भी बन जाएगा आपके जो कार में लगेज वगैरह रखना है उसके लिए, और बैठने के लिए कैसा है वो भी मैं देख के बता देता हूँ आपको। बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस है और 2 लोग, मतलब अगर बच्चे बैठेंगे तो वो आराम से बैठ जाएंगे। और एक चीज़ की पीछे की ये जो विंडो है ये भी ओपन हो जाती है, एक ख़ास बात है। कुरुक्षेत्र में इसके बाद मैं यहाँ के साइंस म्यूजियम में गया। साइंस म्यूजियम आपको दिल्ली के नेशनल साइंस म्यूजियम जैसा ही लगेगा, पर यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर महाभारत के युद्ध का बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसी म्यूजियम के ठीक पास में ही श्री कृष्ण म्यूजियम भी है, लेकिन ये अभी क्लोज था। तो अभी कुरुक्षेत्र में मैं पहुंच चुका हूं यहाँ की सबसे फेमस प्लेस ब्रह्म सरोवर, ये कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है ब्रह्म सरोवर, और दिख गया है मुझे, और काफ़ी बड़ा सा और सुंदर सा है। और सबसे ख़ास बात, मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई हर जगह दिख रही है। ब्रह्म सरोवर में बहुत बड़ी सी लेक है, और साथ ही यहाँ पर गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत से स्ट्रक्चर्स हैं, टेंपल्स हैं, और साथ ही यहाँ पर आप शाम को काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। महिंद्रा बोलेरो नियो के साथ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि ये कार इतनी कंफर्टेबल है कि चाहे ऑफ रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सिटी हो, चाहे जहाँ रोड ही ना हो, ख़राब हो, हर तरफ से कच्चे रास्ते पर भी बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल चलती है, और बैठने में भी आपके लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है और ड्राइव के लिए भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। सपोज़ आपको लद्दाख वगैरह जाना है तो उसके लिए ये आइडियल कार है, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा आपकी अपनी गैंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप जाएंगे, फैमिली के साथ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस कार में, क्योंकि 7 सीटर कार है तो बहुत ही कंफर्टेबल भी रहेगा और मज़ा भी आएगा। इसके साथ ही ये कार आपको जिस प्राइस रेंज में मिलती है, 8.48 लाख इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, तो उस प्राइस रेंज में ये एक गज़ब की कार है, और आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहने वाला है ना इस कार में वो सच में बहुत ही शानदार रहेगा।